सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। सात अगस्त को नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बोले, विशेष राज्य का दर्जा हटाने के बाद आए बड़े बदलाव। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर ओआईसी ने फिर दिया बयान, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। सिखों को फ्लाइट में कृपाण ले जाने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हिंदू सेना की याचिका। दो साल बाद फिर होगा कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव, 5 से 11 अक्टूबर तक होगा आयोजन। अनुच्छेद 370 हटने की तीसरी वर्षगांठ, श्रीनगर को मिला फीफा की तर्ज पर बना फुटबॉल स्टेडियम का तोहफा। आपराधिक मामलों में सांसदों को नहीं कोई विशेषाधिकार, उपराष्ट्रपति बोले संसद सत्र के दौरान हो सकती है गिरफ्तारी। दिल्ली में पहली बार स्वतंत्रता दिवस से पहले लगाए गए डमी बम, सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को परख। टीएमसी की कम नहीं हो रही समस्याएं, अब सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को पशु तस्करी मामले की जांच में किया तलब। सेना ने रूस यूक्रेन युद्ध से लिया सबक, सैटेलाइट आधारित संसाधनों की तैयारियों का किया अभ्यास, हाईटेक हथियारों से हथियारों के इस्तेमाल पर फोकस। बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने बढ़ाया डीजल अनुदान, कैबिनेट ने 23 प्रस्ताव किए स्वीकृत। पंजाब सीएम भगवंत मान की चंडीगढ़ जिला अदालत में पेशी, कोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री, 3 साल पहले पुलिस से झड़प का आरोप। पीजीआई चंडीगढ़ में फिर शुरू हुआ पंजाब के मरीजों का इलाज, पीएम मोदी के निर्देश पर सुलझा विवाद। आजादी के पर्व पर जम्मू कश्मीर को स्वर्णिम उपलब्धि, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनकर हो जाएगा तैयार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कोरोना पॉजिटिव, घर में हुए आइसोलेट। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर लगेगा 610 रुपए का टोल, 25% छूट के साथ तय की गई दरें। घोसी के बसपा सांसद अतुल राय दुराचार के मामले में कोर्ट से बरी, 2019 से चल रहा था केस। गिट्टी चोरी के मामले में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान दोषी करार, कोर्ट में सरेंडर के बाद गायब। संक्रामक बीमारी की चपेट में बच्चे, अलीगढ़ के अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। पी
पीडब्ल्यूडी में 50 अभियंताओं के तबादले निरस्त करने की तैयारी। मुख्यालय की जांच रिपोर्ट शासन ने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी। रायबरेली में मवेशी चराने गया युवक नहर में डूबा, 15 घंटे बाद भी नहीं हुआ बरामद। ग्रामीणों ने जाम किया नेशनल हाईवे। बदायूं में अपहृत युवक का शव मिलने पर आक्रोशित ग्रामीणों का पुलिस पर हमला। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास को गिरफ्तार नहीं कर रही पुलिस, कोर्ट अग्रिम जमानत देने से कर चुकी है इनकार। नोएडा में महिला से बदसलूकी, वायरल वीडियो पर पुलिस का एक्शन, 4 लोगों को लिया हिरासत में। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी की 2.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क। उत्तर प्रदेश में 12 आईएएस अफसरों के तबादले, 4 प्रतीक्षारत अफसरों को भी मिली तैनाती। लखनऊ को ऑक्सीजन का हब बनाएगा वन विभाग, 75 जगह पर एक साथ लगेंगे पीपल, बरगद और पाकड़ के पौधे। मेरठ में मकान के विवाद में मंडलायुक्त कार्यालय के बाहर खुद को लगाई आग, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। मेरठ में फर्जी डॉक्टर बन आईसीयू में घुसकर युवती को लगाया जहरीला इंजेक्शन, अब पिता ने बेटी की सुपारी दी। अवैध संबंध में बाधक बनी पत्नी को पति ने पीट पीट कर मार डाला, 3 मासूम हुए बेसहारा। आगरा में नहीं थम रहा जिले में क्राइम का ग्राफ, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया हमला, एक सैनिक हुआ घायल, घायल सैनिक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। और अयोध्या राम मंदिर निर्माण के पूरे हुए 2 वर्ष, जिले में राम भक्तों में दिखी खुशी की लहर। राम मंदिर निर्माण के 2 वर्ष हुए पूरे, अयोध्या में हनुमानगढ़ी पर जलाए गए शुद्ध घी के दीपक। बदायूं में टेम्पो से गिरकर बच्चा हुआ गंभीर रूप से घायल, घायल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, डॉक्टरों ने बच्चे को किया मृत घोषित। फरीदाबाद में डॉक्टरों पर लगा इलाज में लापरवाही का आरोप, पुलिस ने मामले को कराया रफा दफा। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने चोरी का सामान किया बरामद। प्रयागराज में कश्मीरी पंडितों ने निकाली तिरंगा यात्रा, महिलाएं भी तिरंगा यात्रा में हुई शामिल। आगरा में भाजयुमों का लगेगा प्रशिक्षण शिविर, युवा कार्यकर्ताओं की होगी भागीदारी। मुरादाबाद में अध्यापक ने स्कूल कक्ष को बेचा, शिक्षा अधिकारी ने की शिकायत, बीएसए को भेजी गई रिपोर्ट। बिजनौर में पुजारी की हुई हत्या, परिवार के लोगों के साथ की गई मारपीट, मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी।
बुलंदशहर में जेठ ने बहू के साथ बलात्कार करने का किया प्रयास, पुलिस मामले में नहीं कर रही कोई कार्रवाई। गाजीपुर में विधायक ने जयंती के बजाय मनाई पुण्यतिथि, पुण्यतिथि मनाने पर हैरत में पड़े लोग। गाजीपुर में ट्रॉमा सेंटर खोलने की योजना पर रोक, संचालन के लिए नहीं मिल रही मेन पावर। हरदोई में पैसों को लेन देन को लेकर हुआ विवाद, विवाद में रिटायर फौजी ने की फायरिंग, पुलिस ने दिए जांच के आदेश। लखनऊ में गौवंशियों का हाल बेहाल, भूख प्यास से तड़पते दिखे गौवंश। मथुरा में चल रहा अमृत महोत्सव, 40 फैक्ट्रियों में चल रहा तिरंगा बनाने का काम। वाराणसी में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए तैयारियां तेज, मदरसों में गूंजेंगे देशभक्ति के गाने। औरैया में दबंगों की दिन दहाड़े मारपीट, मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद, दिव्यापुर पुलिस का कारनामा आया सामने। औरैया में खाकी हुई शर्मसार, पुलिसकर्मियों में आपस में चले थप्पड़, वीडियो वायरल, बंटवारे को लेकर दोनों में हुआ था विवाद, सूत्रों के हवाले से खबर। उदयपुर में आईटीआई का अनुदेशक हुआ घायल, स्कूटी का टायर फटने से अनुदेशक का हुआ घायल, गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। जनकपुर देहरादून के बीच चलेगी जन शताब्दी रेल, केंद्रीय मंत्री ने दी स्वीकृति। चंपावत में तिरंगा रैली में जा रहे स्कूली छात्र को कैंटर ने कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत। विभूतियों को मिलेगा सम्मान, उत्तराखंड की 100 हस्तियां होंगी सम्मानित। हरिद्वार में पुलिस को मिली सफलता, ज्वेलर्स पर गोली चलाने और कुख्यात अपराधी के नाम पर रंगदारी मांगने वाले 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रुद्रपुर काउंटर पर जमा हुए बिजली बिल को बैंक में जमा ना कर लाखों रुपए बिल के गबन करने के मामले में एसई रुद्रपुर के नेतृत्व में जांच कमेटी की गई गठित। देशों में भी भारतीय गंगोत्री के गंगा जल से कर सकेंगे आचमन, उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन की पहल। विकासनगर में नशा तस्करी के आरोप में जेल में थी महिला, स्वजन के साथ नशे का विरोध करने वाले युवक पर किया जानलेवा हमला। रुद्रपुर के राष्ट्रीय कयाकिंग कनीइंग स्प्रिट के आयोजन में जलाशय में मगरमच्छ ढूंढने वन विभाग कर्मी, प्रतियोगिता पर छाया संकट। वन विभाग की ओर से अब अमृत सरोवर बनाए गए तालाब की चर्चा खूब हो रही, विभाग अब तक 3 योजनाओं के तहत एक ही तालाब को दिखाकर बटोर चुका वाहवाही। उत्तराखंड में कांग्रेस निकालेगी 15 अगस्त तक भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन पर इमरान खान को भेजे 2 नोटिस, मांगा जवाब।
काबुल में शिया समुदाय की शोक सभा के दौरान विस्फोट, हमले में 8 की मौत। ताइवान के पास चीनी सैन्य अभ्यास को अमेरिका ने बताया गैर जिम्मेदार, कहा इससे शांति और स्थिरता को खतरा। पाकिस्तानी पत्रकार अनस मलिक का तालिबान ने किया अपहरण, दी जा रही यातनाएं। व्हाइट हाउस के बाहर लाफायेट पार्क में बिजली गिरने से 3 की मौत, 1 हुआ घायल। आसियान बैठक में जोरदार बहस, चीन की ताइवान के गले में फंदा कसने की चेतावनी। विस्कॉन्सिन सिख मंदिर हमले की 10वीं वर्षगांठ पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एकजुटता का दिया संदेश। चांद की तरफ दक्षिण कोरिया ने बढ़ाया कदम, किया पहला स्पेस मिशन लॉन्च। पाकिस्तान के पंजाब सरकार का नया प्रस्ताव, भगवद गीता और बाइबल याद करने पर कैदियों को मिले छूट। पाकिस्तान में फिर होंगे उपचुनाव, ईसीपी ने 9 सीटों पर की चुनाव की घोषणा, 25 सितंबर को होगा मतदान। जुलाई में नौकरी में हुई वृद्धि से अमेरिकी श्रम बाजार में मंदी की आशंका को किया खारिज, बेरोजगारी 3.5% तक गिरी। वजीर एक्स पर ईडी की छापेमारी के बाद बयान ने दी सफाई, सीईओ ने कहा हमारी उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं। महंगे होम लोन से ईएमआई में 2000 रुपए की बढ़ोतरी संभव, रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ेगा दबाव। हुंडई का धमाकेदार ऑफर, 50,000 रुपए तक डिस्काउंट दे रही कंपनी, सीएनजी मॉडल भी शामिल। हुंडई टॉक्सन 10 अगस्त को होगी लॉन्च, एसयूवी में मिलेंगे 4WD और ADAS जैसे फीचर। मुद्रास्फीति पर रिजर्व बैंक ने अपनाया आक्रामक रुख, दरों में हो सकती है और बढ़ोतरी। बोनविलेटी 120 का ब्लैक एडिशन लॉन्च, मारुति स्विफ्ट के बराबर है बाइक का इंजन। आरबीआई ने प्याज दरें 0.50% बढ़ाई, लोन महंगे होंगे, 20 साल वाले 30 लाख के होम लोन की ईएमआई करीब 900 रुपए ज्यादा होगी। टाइटन को 790 करोड़ का शुद्ध लाभ, पेटीएम का घाटा बढ़कर 644.4 करोड़ पर, रेवेन्यू बढ़ा, नाइका का प्रॉफिट 42% उछला। एनपीएस के तहत पीएफआरडीए लगाएगा गारंटेड रिटर्न स्कीम, 30 सितंबर को हो सकती है लॉन्च। सिकंदर के सामने बांग्लादेश पस्त, शतक लगाकर लगातार 19 हार के बाद जिम्बाब्वे को पहले वनडे में दिलाई जीत। बीबीएल पर बंडराया खतरा, 15 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को इस लीग में दिया करोड़ों का ऑफर।
जेम्स एंडरसन निकले 40 के युवा, तेज तर्रार इन स्विंग से उड़ाए 3 स्टंप। सेना के सूबेदार ने रेसलिंग में जीता मेडल, दीपक पुनिया ने जीता गोल्ड। पिता 60 किलोमीटर दूर छत्रसाल स्टेडियम में पहुंचाते थे दूध और फल। अमृतसर पहुंचे कॉमनवेल्थ गेम के पदक वीर गोल्ड मेडलिस्ट मीराबाई समेत दूसरे वेटलिफ्टर्स का स्वागत। धक्का मुक्की के कारण बिगड़ी लवप्रीत के पिता की तबीयत। बीसीसीआई अधिकारी का बयान, तेंदुलकर और गांगुली के बीच भी हो चुका है जो विराट और रोहित के साथ चल रहा है। भारतीय ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने शुरू की अपनी खेल एकेडमी, नाम रखा द वन स्पोर्ट्स। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज दीपक चाहर की हो रही वापसी, कहा वेस्टइंडीज के खिलाफ खेल सकते हैं। एशिया कप तय करेगा टी20 वर्ल्ड कप टीम की सूरत, 12 स्पॉट फिक्स, 3 पोजीशन के लिए रेस। खराब फॉर्म के बावजूद विराट का सिलेक्शन तय। पूर्व कोच रवि शास्त्री को आर अश्विन का जवाब, टेस्ट और टी20 खेलने को लेकर दिया था बयान। टाइगर का सॉन्ग आफत हुआ रिलीज, तनिष्क बागची ने किया है कंपोज, 1 घंटे में 5 लाख लोगों ने देखा। स्वरा भास्कर का ट्विटर पर उड़ा मजाक, ट्रोलर बोले तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, एक्ट्रेस का फूटा गुस्सा। कन्नड़ पावर स्टार को मिलेगा कर्नाटक रत्न अवार्ड, पुनीत राजकुमार को राज्य सरकार मरणोपरांत करेगी सम्मानित, पहली बार 1992 में पिता राजकुमार को मिला था। हिरोशिमा अटैक की 77वीं एनिवर्सरी, 77 साल से है परमाणु के निशान, लिटिल बॉय से लेकर बिगनिंग और द एंड फिल्मों में दिखाई गई बर्बादी। जेनेलिया का 35वां बर्थडे, रितेश देशमुख ने शेयर किया फनी वीडियो, बताया जेनेलिया को एवर फॉरएवर लव। माधुरी दीक्षित और मलाइका अरोड़ा के बेटे की बॉलीवुड में एंट्री, करण जौहर के साथ कर रहे काम। बाहर स्पॉट हुई आलिया भट्ट, डार्लिंग के प्रमोशन के बाद चेकअप कराने पहुंची एक्ट्रेस, ढीले येलो कुर्ते और प्लाजो में आई नजर। पति रसिक के निधन के बाद स्टेज पर लौटी केत की, बोली एक एक्ट्रेस के नाते मुझे मेरे इमोशंस छुपाने आते हैं, मैंने वही किया। उपासना सिंह से कलह के बीच मिस यूनिवर्स हरनाज संधु का खुलासा, वजन बढ़ाने पर बुली किया गया, कई बार मैं टूटी। प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे सेलिब्रेशन का अनसीन वीडियो वायरल, दामाद के साथ डांस करती आई मधु चोपड़ा। प्राइम शो तक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच।